खबर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज, आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से कराने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किए गए नगरीय निकाय एक्ट में संशोधन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता अनवर हुसैन द्वारा दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि सरकार द्वारा नगरीय निकाय एक्ट में किया गया संशोधन असंवैधानिक है, इस लिहाज से इसे रद्द किया जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि राज्य सरकार द्वारा नगर निगम एक्ट में किया गया संशोधन असंवैधानिक है। सरकार ने तर्क दिया कि नगरीय निकायों में सभी सीटों में संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचन व्यवस्था है। हमारे स्टेट सर्वेक्षल जबलपुर में एक अजय जैन करके आवेदक हैं, जो अग्रवाल कॉलोनी में रहते हैं अपने जबलपुर में, उनके द्वारा एक शिकायत आवेदन दिया गया है कि इनका बच्चा सैन फ्रांसिस्को USA में रहता है और उसको एक फेसबुक रिक्वेस्ट आई, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई फेसबुक पे, और उस रिक्वेस्ट को उसने अपना एक मित्र जानते हुए स्वीकार कर लिया था। बाद में एक दो दिन कन्वर्सेशन हुआ उनका मैसेंजर पे, और फिर उसके जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला फ्रेंड था उसने बताया कि उसकी माँ का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है। आवेदक के बच्चे ने ये समझा कि उसके मित्र को ऐसे पैसों की ज़रूरत है, ये जानकर भावनाओं में आके उसने लगभग 2.5 से 2.5 लाख रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए, और अकाउंट वगैरह सभी इंडिया के ही थे। बाद में 2-4 दिनों के बाद जब उसके मित्र से उसने बात करने का प्रयास किया और बात हुई तो पता चला कि उसके द्वारा कोई ना तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी और ना ही उसको पैसों की ज़रूरत थी। ये जानकारी मिलने के बाद उसने अपने पिता से, जो जबलपुर निवासी, से संपर्क किया और उनके द्वारा फिर यहाँ आकर आवेदन पत्र दिया गया। आवेदन लिया गया, जाँच में आवेदन में जब आगे प्रयास किए गए तो पता चला कि इंडिया के ही रहने वाले कुछ लोगों ने उसके साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर, उसके उनके बच्चे के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर और इस तरह का फ्रॉड किया है। इसमें अभी जांच आगे चल रही है। 2 खातों में पैसा डलवाने का प्रयास किया गया था, एक खाता जबलपुर का दिया गया था और एक खाता और था जो NCR दिल्ली क्षेत्र का है। फाइनली जब जाँच की गई तो पता चला कि पैसे जबलपुर के अकाउंट में नहीं आए हैं और एक कोटक महिंद्रा का अकाउंट है जो NCR में है, दिल्ली के पास, वहाँ पे पैसे। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।